प्रयागराज के स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल में भर्ती मरीज से डॉक्टरों द्वारा रेप किए जाने के आरोप का मामला बेहद गर्मा गया है। जहां एक तरफ मंगलवार की सुबह वेंटिलेटर स्पोर्ट पर भर्ती मरीज की मौत हो गई, वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने भी इस मामले पर एफआईआर दर्ज करते हुए अब तक हुई जांच रिपोर्ट को तलब कर कार्यवाही शुरू कर दी है। उधर कल डॉक्टरों पर रेप के आरोप लगाए जाने के मामले में हो रही राजनीति के विरोध में मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के एमबीबीएस के छात्रों सहित सैकड़ों डॉक्टरों ने सोमवार को शांति मार्च करते हुए कैंडल मार्च निकाला था। डॉक्टरों ने चेताया कि अपनी राजनीति चमकाने के लिए कुछ लोग इस मामले को बेवजह तूल दे रहे हैं, जिससे हम भविष्य में चिकित्सा कार्य करने में असमर्थ होंगे। दरअसल बीते 2 जून को सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें स्वरूपरानी नेहरू अस्पताल में भर्ती मरीज के भाई ने ऑपरेशन रूम में बहन से डॉक्टरों द्वारा रेप किए जाने के आरोप लगाए थे। पेन पर इशारा कर रहे थे कि लिखना है हमें, तो उनको हम कागज़ पेन ला कर दिए और वो वहाँ से लिखिए कि हमारे साथ ओटी में गलत काम हुआ है। और ये भी कही है कि हम सबको पहचानते हैं, अगर सामने लाया जाए तो हम पहचान भी सकते हैं। मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल अस्पताल के प्रिंसिपल डॉक्टर एसपी सिंह ने रेप की घटना की जांच के लिए 5 सदस्यीय जांच कमेटी गठित की थी। जांच कमेटी को जांच में मरीज से रेप करने के कोई साक्ष्य नहीं मिले और उनकी जांच रिपोर्ट में रेप के आरोप बेबुनियाद साबित हुए, बल्कि इलाज में किए गए ऑपरेशन के दौरान पेशाब की नली डालने से मरीज का अर्ध बेहोशी के हालत में गलतफहमी होना पाया गया था। मरीज का ऑपरेशन करने वाली टीम की एक महिला डॉक्टर ने भी रेप होने की बात को झूठा बताया है। उनका कहना था कि ऑपरेशन पूरा होने के बाद भी वह वार्ड में काफी देर तक मरीज के साथ थी। ऑपरेशन के टाइम पर हम खुद थे, पूरा ऑपरेशन मेरे द्वारा ही किया गया है, पूरी टीम इमरजेंसी सर्जरी टीम पूरी वहाँ पे उपस्थित थी। ऑपरेशन के बाद इवन ड्रेसिंग तक सब कुछ मैंने अपने हाथ से करी है। उसके बाद ऑपरेशन के बाद पेशेंट को पोस्ट ऑप रूम में शिफ्ट कराने तक हम साथ थे। उसके आधे घंटे तक हम पेशेंट के साथ थे, क्योंकि पेशेंट वेंटिलेटरी सपोर्ट पे था। और उसके बाद उसके घर वालों की देखरेख में और सिस्टर जो भी वहाँ पे पोस्टेड थी उनकी देखरेख में उसे वहाँ पे छोड़ा गया था। तो ये जो एलिगेशन लगे हैं कितने किस हद तक सही है? बिल्कुल गलत है। इसके अलावा सीएमओ द्वारा भर्ती मरीज की जिला महिला अस्पताल में मेडिकल जांच कराई गई थी, जिसकी रिपोर्ट में रेप की पुष्टि नहीं होने पर मामला ठंडा पड़ गया था और अस्पताल प्रशासन ने राहत की सांस ली थी। बावजूद इसके प्रयागराज में बीते 4 दिनों से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन कर स्वरूपरानी नेहरू अस्पताल में भर्ती मरीज रेप पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए रेप के आरोप की एफआईआर दर्ज कराने की मांग कर रहे थे, जिनकी मांग पर पुलिस ने 4 अज्ञात मेडिकल स्टाफ के खिलाफ रेप के आरोप का मामला दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है। वैसे पुलिस की शुरुआती जांच में सबसे पहला मुख्य केंद्र बिंदु अस्पताल का ऑपरेशन थिएटर है, जहां ऑपरेशन के बाद भर्ती मरीज के साथ गैंगरेप किए जाने का आरोप लगा था। लेकिन ट्रॉमा सेंटर की पहली मंजिल में स्थित ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे पर कांच का पारदर्शी शीशा लगा होना और यहां गैंगरेप की घटना घटित होना अपने आप में चौंकाने वाली बात है। ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि भला 4 मेडिकल स्टाफ इस ऑपरेशन रूम में कैसे किसी मरीज के साथ सामूहिक रेप कर सकते हैं, जिसके दरवाजे के शीशे पारदर्शी हो और उससे अंदर का बाहर से आर पार साफ दिखाई पड़ता हो। सोशल मीडिया के थ्रू हमें प्राथमिक सूचना मिली थी, सूचना के आधार पर पूरी तरह से जांच कराई गई है। डॉक्टर्स की टीम ने भी इसके लिए जांच की है, सीएमओ ने मेडिकल की टीम लगाई थी। जांच की टीम के समस्त बिंदु जो हमें मिले हैं उनको समाहित करते हुए और लीगल ओपिनियन भी हमने लिया है, उसके आधार पर एफआईआर को रजिस्टर करके इस मामले की पूरी तरह से जांच की जा रही है। फिलहाल अब इस मामले पर सियासत का बाजार गर्म हो गया है। समाजवादी पार्टी के दखल के जवाब में डॉक्टरों के समर्थन में स्वरूपरानी अस्पताल के सभी डॉक्टर लामबंद हो गए हैं। रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन की अगुवाई में डॉक्टरों ने काली पट्टी बांधकर अपना विरोध जताया, फिर एकजुट होकर प्रोटेस्ट भी किया। प्रयागराज के स्वरूपरानी नेहरू अस्पताल में मरीजों का इलाज करने वाले ये सैकड़ों डॉक्टर अब अपने हाथों में तख्ती बैनर पोस्टर के जरिए रेप केस में झूठा फंसाए जाने के षड्यंत्र से बचाव में अपने चिकित्सीय भविष्य और खुद की सुरक्षा की गुहार लगाने के लिए सड़क पर उतर आए हैं।
इनकी मांग है कि डॉक्टरों पर लगे रेप जैसे संगीन आरोप जांच में सिद्ध नहीं होने के बाद भी सरकार विरोधी पार्टी के लोग बेवजह तूल दे रहे हैं। इन पर रोक लगनी चाहिए, क्योंकि ये लोग अपनी रोटी सेकने के चक्कर में झूठे मामले को मुद्दा बनाकर उनकी छवि को धूमिल करने का काम कर रहे हैं, जिससे सभ्य समाज में लोगों में डॉक्टरों के प्रति अविश्वास की भावना होने जैसी स्थिति बन गई है। हम लोग ये शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे हैं काला पट्टी बांध के और ये बैनर लेके। यही कहना है कि आप बिना किसी प्रूफ के आप कैसे एलिगेशन लगा सकते हैं इस चीज़ को। आप भी जानते हैं कि डॉक्टर कितनी मेहनत करते हैं इस चीज़ को लेके। आप ऐसे गलत आरोप लगा के नहीं कह सकते। ये तो इंस्टीट्यूशन की बदनामी है, एक डॉक्टर की बदनामी है इसमें। बाकी मरीज भी इसमें सफ़र कर रहे हैं, हम लोग भी सफ़र कर रहे हैं। बिना किसी प्रूफ के, बिना किसी कुछ चीज़ के आप ऐसे किसी को आप बदनाम नहीं कर सकते। डॉक्टरों का यह भी कहना है कि उन्हें मरीज से रेप के झूठे केस में फंसाने की साजिश की गई है। समाजवादी पार्टी ने महिला अधिकार के हनन का दावा कर अपने राजनीतिक रणनीति के जरिए उनके खिलाफ धरना प्रदर्शन कर जबरन प्रशासन पर दबाव बनाकर एफआईआर दर्ज कराई है, जो कि उनके भविष्य को बर्बाद करने की एक साजिश है, जो कि ऑलरेडी प्रूव हो चुका है कि वो पूरी तरह से गलत है। मेडिको लीगल जांच में भी सारी चीज़ें निगेटिव आ गई हैं। उसके बाद भी लोग पॉलिटिक्स के नाते या जो भी है अपने पर्सनल इश्यूज़ की वजह से अभी भी जुलूस निकालना, धरने देना, वो सारी चीज़ें कर रहे हैं। अगर कुछ भी उन्हें करना है तो पहले सच्चाई तक पहुँचें, उसके बाद इस तरह के, क्योंकि रेप का आरोप इतना छोटा आरोप नहीं होता है कि आप उसको बिना किसी प्रूफ के किसी के ऊपर भी लगा दें। हो तो मजिस्ट्रेटियल या न्यायिक जाँच कराई जाए, और यदि हम में से कोई दोषी पाया जाता है तो उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। लेकिन यदि कोई चिकित्सक दोषी नहीं है और ये मनगढ़ंत और झूठा आरोप लगाया गया है, तो आरोप लगाने वाले व्यक्ति के ऊपर कड़ी से कड़ी न्यायिक कार्रवाई हो। वही समाजवादी पार्टी रेप पीड़िता की एफआईआर दर्ज कराने के बाद अब मामले की जाँच कराने के लिए प्रशासन से लेकर शासन तक का दरवाजा खटखटा रही है। हम फिर मिलेंगे आपको अपनी दूसरी ऐसी ही खास खबर में। तब तक के लिए देखते रहिए सबसे तेज न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए रेड आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक करें, लोगों तक पहुंचाने के लिए अधिक से अधिक शेयर करें और अपने सुझाव वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हमारे चैनल की हर खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। yeah.